हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नारायणी टेक अकेडमी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश मीडियम की जो यूनिट 2 की जो दूसरी पोएम है द पुले, उसका एप्रिसिएशन किस तरह से लिखते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द पुले। पहले पैराग्राफ में हम टाइटल और उसके पोएट का नाम लिखेंगे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुले एंड इट इज रिटन बाय द पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। देन सेकेंड पैराग्राफ में वी शुड राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ईच वर्स ऑफ द पोएम हैज 5 लाइन्स, द राइम स्कीम ऑफ ईच वर्स इज ए बी ए बी ए। उसके बाद जो पॉइंट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सो वी कैन राइट लाइक दिस, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द रीजन फॉर मैंस कंटिन्यूअल रेस्टलेसनेस ऑल हिज लाइफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड विथहेल्ड द क्वालिटी ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन, सो मैन शुड बी कनेक्टेड टू गॉड। एंड देन द लास्ट पॉइंट विच इज फिगर ऑफ स्पीच, जो एक मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द चीफ फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज मेटाफर, और उसके एग्जाम्पल है द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग। हियर द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग इज कंपेयर्ड विद द ऑल ह्यूमन क्वालिटीज। यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल नारायणी टेक अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।